हेलो स्टूडेंट्स बेटा, एग्जांपल्स ऑफ फर्मट लिटिल थ्योरम। एग्जांपल फर्स्ट, शो दैट एन द पावर 5.5 प्लस एन द पावर क्यू अपॉन 3 प्लस 3 एंड 7 एंड अपॉन 15 इज इंटीजर। बेटा हमने ये प्रूव करना है, यहाँ पे देखो एन द 5.5। फर्स्ट बेटा बाय लिटिल फर्मट थ्योरम क्या थी बेटा, ये ए इज एनी इंटीजर, P is prime, then A is P concurrent A mod P, ये लिखते देखो। तो यहाँ पे N क्या है, एनी इंटीजर, 5 क्या है, prime, तो इसको ऐसे लिखता हूँ बेटा, N की पावर 5 concurrent N mod 5, okay, 5 divide N the 5 minus N. N the 5 minus N equal to N 5, 5 बेटा मैंने M S 5 T लिख लिया बेटा यहाँ पे, okay clear है बेटा, मेरे पास ये आ गया 5 T 1, clear है बेटा point, N the power 5 N plus 5 T 1, next बेटा N cube, N cube concurrent N, देखो बेटा यहाँ पे एन क्यूब कॉन्करेंट एन मोड 3 बाय 11, क्योंकि 3 क्या है प्राइम, एन क्या है बेटा एनी इंटीजर, देन 3 डिवाइड एन द क्यूब माइनस एन, एन द क्यूब माइनस एन 3 टी 2, एन द क्यूब एन प्लस 3 टी 2, पुट इन दिस वन, एन द 5 दी, यहाँ पे वैल्यू पुट करो बेटा इसकी, एन प्लस 5 टी 1 अपॉन 5 प्लस एन प्लस 3 टी 2 upon 3, what is t1, t1 t2 is any integer, plus 7n upon 15, so n upon 5 plus n upon 3, okay, plus 7n upon 15 plus t1 plus t2, then 15 LCM, calculate 3n plus 5n plus 7n plus t1 plus t2, 15 n upon 15 n plus t1 plus t2, तो मेरे पास क्या आ गया बेटा any integer, यही हमने क्या करना था बेटा proof। Next बेटा वैसे मैं concurrence में भी ये example की है जो मैं करने वाला हूँ, second क्या है, find the last digit of the ordinary decimal representation of 3 power 400। बेटा हमने क्या निकालना है, यूनिट प्लेस पे निकालना है, लास्ट डिजिट फाइंड करना है इसका क्या आएगा, लास्ट डिजिट के लिए हमने किस पे डिवाइड करना है, 10, 10 को क्या लिखेंगे बेटा 2 into 5, ओके, तो देखो बेटा 2, 3 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, तो बेटा अभी मैंने बताया ना लास्ट वीडियो में बेटा डिवाइड कर रहा है डिवाइड नहीं कर रहा है कोई मैटर नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे 2 the power, 2, 3 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, तो 3 the power 1 कॉन्करेंट 1 mod 2, ए दी पावर पी माइनस 1 कॉन्करेंट 1, ठीक है बेटा, देन 3 दी पावर 4 कॉन्करेंट 1 मोड 2 आ गए मेरे पास। अब ऐसे इसका बेटा 3 5 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1, 3 दी पावर 4 कॉन्करेंट 1 मोड 5, 2 5 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है 1, बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्ज कॉन्करेंस 3 the power 4 कॉन्करेंट 1 mod 10, एम एन याद है बेटा, ए कॉन्करेंट बी मोड एम, ए कॉन्करेंट बी मोड एन, एम एन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1, देन ए कॉन्करेंट बी मोड एम एन, ओके, देन टेक पावर 100, 400 कॉन्करेंट 1 mod 10, तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा 1, तो यूनिट लास्ट डिजिट क्या होगा बेटा इसका 1 होगा, ओके क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन एग्जांपल 2। नेक्स्ट बेटा एग्जांपल 3 बेटा, show that 5 the power 38 concurrent 4 mod 11, बेटा आपको मालूम है बेटा 11 क्या है, प्राइम,
ओके फाइव क्या है बेटा, एन इंटीजर, यहाँ पे इंडोफर मिर्चोर में लग सकती है बेटा। 5-11 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, 1। तो कह रही है 5 to the power 10 कॉन्करेंट 1 mod 11। ओके मुझे चाहिए बेटा 38, देन टेक पावर 3, कितना हुआ 30 कॉन्करेंट 1 mod 11। अब बात करते हैं हमें 38 चाहिए बेटा, 5 कॉन्करेंट 5 mod 11, 5 square कॉन्करेंट 25, 25 किसका कॉन्करेंट है मोड 11 में बेटा, 3 mod 11। ओके देन 5 to the 4 कॉन्करेंट 9 mod 11, 5 to the power 9 किसका कॉन्करेंट है -2 mod 11। ओके बेटा देन टेक स्केयर बेटा, 5 to the power 8 कॉन्करेंट 4 mod 11, देन मल्टीप्लाई दिस दिस दिस, वी गेट दिस। क्लियर है बेटा पॉइंट, कोई प्रॉब्लम बेटा? फोर्थ एग्जांपल, इफ A35 द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1, प्रूव दैट A to the power 12 कॉन्करेंट 1 mod 35। 35 के क्या फैक्टर है बेटा, 5 into 7। ओके देन बाय इलोफर्मर थ्योरम बेटा, और हम ये भी लगा सकते हैं बेटा, A to the power 4 कॉन्करेंट 1 mod 5। बेटा पावर 3 कर दीजिए आप, mod 5। ओके नेक्स्ट A to the 6 कॉन्करेंट 1 mod 7, स्केलिंग बोथ साइड, A to the 12 कॉन्करेंट 1 mod 7, देन मल्टीप्लाई दिस, के सॉरी मल्टीप्लाई नहीं हुई बेटा, लास्ट यूज किया मैंने 5-7 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1, तो मोड कितना हुआ बेटा 35। ओके बेटा नेक्स्ट फिफ्थ एग्जांपल, इफ A33 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1, B133 को प्राइम है बेटा, हमने क्या प्रूव करना है, A to the power 18 कॉन्करेंट B to the power 18 mod 135 बेटा 133, मैंने ये प्रूव करना है बेटा। तो बेटा पहले चेक कर लीजिए, 133 प्राइम नंबर तो नहीं है, ये नहीं है, देखो 7 into 19। ओके आप चेक कर सकते हो बेटा, मैंने आपको करवाया प्राइम नंबर, आपने प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन में आपने चेक कैसे करना है, आप वहां पे देख सकते हो प्राइम कैसे चेक करना है बेटा आपने। तो बेटा यहां से मैंने ये निकाल लिया 3 7 into 19, तो आपने देखना बेटा ए, यदि ए 133 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है तो क्लियर है बेटा, जो 133 तो यहां पे क्या आ रहा है बेटा, ए ना तो 7 का फैक्टर है ना ए 19 का फैक्टर है, बिकॉज यदि ए 7 और 19 का फैक्टर होता तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 नहीं आता, तो ए 7 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 एंड ए 19 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1। क्लियर है बेटा मेरा पॉइंट, समझाया बेटा आपको क्या कहा मैंने, 133 यहाँ पे ए 133 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, तो नेचुरली ये को प्राइम है, तो क्लियर है ए के ना 7 फैक्टर होगा ना 19 फैक्टर होगा, तो मेरे पास ये आ गया। ऐसी बी 7 = B 19, तो बेटा यहां से देखो, तो यहां पे क्या है ए 18 कॉन्करेंट 1 mod 19। ओके ए दी पावर 6 यहां से कॉन्करेंट 1 mod 7, तो इसको क्या लिखो, ए क्यूब कर दिया बेटा पावर मोड 7। ओके अब दोनों को बेटा देखो, तो क्या लिखेंगे, ए दी पावर 18 कॉम्पोनेंट 1 mod 133। ओके ऐसे बेटा बी का करना है, बी 18 कॉम्पोनेंट 1 mod 133, तो बेटा ए दी पावर 18 1 के साथ कॉम्पोनेंट है, तो 1 किसका, क्योंकि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है कॉन्करेंस में, 1 किसके साथ कॉम्पोनेंट है बेटा, बी दी पावर देखो ऐसे लिखेंगे ना, 1 कॉम्पोनेंट बी दी पावर 18 मोड 133, तो बेटा ए 1 के साथ 1 इसके साथ, तो ए कॉन्करेंट 18 मोड। ओके बेटा नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल करवाऊंगा बेटा, वैसे सपोज हमने कॉन्करेंस में भी करवाई हो बेटा
सो रिपीट करूंगा, इससे इजी हो जाएगी बेटा थोड़ी सी एग्जांपल। सो थैंक यू वेरी मच बेटा।